नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे मेडिकल स्टोर के बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप अपना खुद का एक मेडिकल स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कहां से आपको लाइसेंस मिलेगा या फिर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे अपने लाइसेंस के लिए, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे दोस्तों मेडिकल स्टोर के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों आज दुनिया बीमारी का घर बन चुकी है, क्योंकि दोस्तों इतना ज्यादा पोल्यूशन है, लोगों का खाना ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे बीमार पड़ते हैं। आज आपको सभी घरों के अंदर कोई ना कोई जरूर बीमार मिलेगा और सभी कोई ना कोई टैबलेट जरूर लेते मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों सभी के कोई ना कोई बीमारी जरूर है। किसी को पेट की, किसी को आंख की, किसी को दिमाग की, बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं है जिसके अंदर बीमारी ना मिले। इसलिए दोस्तों आज दवाइयों की बहुत ज्यादा डिमांड है। और दोस्तों आपको बता दें, कोरोना के बाद तो दोस्तों दवाइयों की डिमांड और ज्यादा बढ़ी है। और दोस्तों जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे बीमारियां बढ़ेगी और उसी प्रकार से दवाइयों की डिमांड भी बढ़ेगी। आज दोस्तों बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर जो दवाइयों का प्रोडक्शन करती है, और दोस्तों आपको अपने स्ट्रीट के ऊपर, अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर बहुत सारे मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों डिमांड इतनी ज्यादा है। डिमांड को पूरा करने के लिए इतने ज्यादा मेडिकल स्टोर है या फिर अलग अलग दवाइयों की एजेंसी चलती है और बहुत बड़े लेवल पर यह काम हो रहा है। तो दोस्तों यदि आपके पास डी फार्मेसी, बी फार्मेसी की डिग्री है तो आप मेडिकल के लाइसेंस के लिए अप्लाई करके अपना एक मेडिकल का लाइसेंस ले सकते हैं और अपना एक अच्छा मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बात आएगी दोस्तों, यदि आप अपना एक मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक शॉप होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से कहीं भी ओपन कर सकते हैं, गांव के अंदर, शहर के अंदर, कस्बे के अंदर, रोड के ऊपर कहीं भी आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं या फिर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर भी अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास होनी चाहिए अच्छी इन्वेस्टमेंट, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर दवाइयां भी खरीदनी पड़ती है, इंटीरियर भी सेट करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, उसके बाद आपको लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, उसकी फीस भी होती है। तो ऐसे बहुत सारी फीसिज होती है और आपको डेकोरेशन से लेकर दवाइयों के स्टॉक तक अच्छा खर्चा करना पड़ता है, तो इनके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद दोस्तों आपके पास होनी चाहिए नॉलेज दवाइयों की, क्योंकि दोस्तों नॉलेज के बगैर आप दवाई सेल नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आप पहले किसी मेडिकल पे काम करें, उसके बाद आपको नॉलेज होगी, फिर आपके पास लाइसेंस होगा तो आप अपना मेडिकल ओपन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास मेडिकल के अंदर एक फ्रिज होना चाहिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए, वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आप अपना एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके मेडिकल और आपकी शॉप के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों आपके पास खुद की शॉप है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप एक शॉप किराए पर लेंगे या फिर खरीदेंगे तो आपको इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों मेडिकल की, तो दोस्तों आप बड़े लेवल पर मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, बड़ा मेडिकल हॉल, तो आपको उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और यदि आप एक छोटा मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं कम दवाइयों के साथ तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीजों के ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपके पास खुद की शॉप है और मेडिकल का लाइसेंस है तो आप इस बिजनेस को आराम से 2 से 5 लाख रुपए भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको मेडिकल के अंदर दवाइयां भी खरीदनी है, फ्रिज भी लेना है और रैक भी लगानी है दवाइयां रखने के लिए, और अच्छा खासा स्टॉक भी रखना है। इन सब चीजों के लिए दोस्तों आपको लगभग 2 से 5 लाख रुपए के बीच इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप बड़े लेवल पर मेडिकल हॉल ओपन करना चाहते हैं ज्यादा दवाइयों के साथ तो दोस्तों उसके अंदर आपको 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तभी आप एक बड़े लेवल पर मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए। तो दोस्तों आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 150 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप बड़े लेवल पर मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आप 200 से 300 स्क्वायर फीट की शॉप के अंदर भी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आप ज्यादा बड़ा मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे और ज्यादा दवाइयां रखेंगे तो आपको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए दोस्तों आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है और आप एक छोटा मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आप 150 से 200 स्क्वायर फीट की शॉप के अंदर अपना मेडिकल स्टोर ओपन करें, और जब आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाए और अच्छी खासी आपको मेडिकल की नॉलेज हो जाए तो आप अपना स्टोर बढ़ा सकते हैं और अच्छे लेवल पर अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए या फिर आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो यदि आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास अपने स्टोर का GST नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और आपके पास
अपने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। दोस्तों यदि पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपने स्टोर का जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यदि बात एजुकेशन के डॉक्यूमेंट की करें तो आपके पास बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या फिर एम फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों इन सभी डिग्री के साथ ही आप अपने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवा सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितना परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो दोस्तों की प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके अंदर आपको दवाइयों के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। जैसे दोस्तों की आप जेनरिक स्टोर ओपन करते हैं यानी जेनरिक दवाइयां ज्यादा रखते हैं तो उसके अंदर दोस्तों आपको 30-50% तक प्रॉफिट मार्जिन आराम से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों की आप फार्मा कंपनी की दवाइयां रखते हैं तो उसके अंदर दोस्तों आपको लगभग 20-30% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। ऐसे दोस्तों अलग अलग दवाइयों के हिसाब से अलग अलग आपको प्रॉफिट मार्जिन मिले। और दोस्तों दी प्रति महीना इस बिजनेस के अंदर कमाई की बात करें तो यदि आप एक सिटी के अंदर अच्छा स्टोर ओपन करते हैं तो आप आराम से 1.5-2 लाख रुपए प्रति माह इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों की आपका स्टोर ज्यादा चलता है और ज्यादा आपकी दवाइयों की सेल होती है तो दोस्तों आप ज्यादा कमाई भी इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों की आप किसी हॉस्पिटल के अंदर अपना स्टोर ओपन करते हैं तो क्या पता दोस्तों दिन की आप 50,000 या फिर 1 लाख रुपए की आराम से कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कमाई इस बिजनेस के अंदर आप प्रति महीने के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जिस भी लोकेशन के ऊपर अपना स्टोर ओपन करेंगे उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से आपको कमाई होगी। अब बात करते दोस्तों की आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर दवाइयां कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दें बहुत सी कंपनियों की अलग अलग दवाइयों की एजेंसी होती है। दोस्तों आपको एजेंसी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वो एजेंसी दोस्तों आपको जेनरिक दवाइयां भी प्रोवाइड करेगी और आपको फार्मा की दवाइयां भी प्रोवाइड करेगी। ऐसे सभी प्रकार की दवाइयां दोस्तों वो एजेंसी आपको प्रोवाइड करवा देगी। लेकिन दोस्तों जी आप किसी कंपनी के एमआर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों एमआर आपको सभी दवाइयों के सैंपल भी पहुंचाएगा और आपको सभी दवाइयां अपने आपके स्टोर के ऊपर प्रोवाइड भी करेगा। ऐसे दोस्तों आप किसी कंपनी के एमआर से कॉन्टैक्ट करके भी दवाइयां अपने स्टोर के अंदर रखवा सकते हैं और किसी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके भी अपने स्टोर के अंदर दवाई रख सकते हैं और अपना एक अच्छा सा मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों जी आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि आपको कितना खर्चा किस चीज़ के ऊपर करना पड़ेगा, आपको कौन सी दवाइयों के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, सब भी जानकारी दोस्तों मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर दी है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों जी आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर किसी स्कीम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।